किसी से मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी भी बारिश है देखो। एवरीवन वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। और गाइस आज है मेरा यहाँ सेकंड डे, तो अभी सेकंड डे की मॉर्निंग है और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज का मैं आपको बता दूँ, आज हम यहाँ ना मतलब जो पूरा यहाँ का जितना भी आश्रम है ना, आज हम पूरा विजिट करेंगे अगर हो पाए तो। अदरवाइज एक कोई पार्क है वहाँ जाएंगे, तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ जाएंगे और बाकी का जो शेड्यूल होगा वो साथ साथ करती जाऊँगी मैं। आई होप आपको मेरे आज ये वाले ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। जिसको नहीं पता उसको भी पता चल गया होगा कि मैं यहाँ आई हूँ माउंट आबू ब्रह्म कुमारी आश्रम में। और ये है यहाँ मॉर्निंग का व्यू। अभी टाइम हुआ है 9:20 और ये है मॉर्निंग का व्यू। बहुत अच्छा व्यू है सीरियसली, यहाँ एकदम फ्रेश फ्रेश एनवायरमेंट है। अगर घर से दूर आ रहे हो ना तो बहुत अच्छी जगह है। घूमने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें ज्ञान की सीखने को भी मिलेंगी जो आपको घर बैठे नहीं मिल सकती। ये देखो सीरियसली बहुत शांति है यहाँ। तो अभी ना मम्मी हमारा वेट कर रही है, मैं और मौसी हैं, हम बचे हुए हैं। तो अभी हमें जाना है ब्रेकफास्ट करने, तो चलो चलते ब्रेकफास्ट करने। और पता बारिश हुई है ना, तो बारिश की वजह से और ज़्यादा ठंडा ठंडा मौसम हो गया है यहाँ बिल्कुल। और हमें नहीं पता था मतलब इतना ठंडा हो जाएगा। और मैं जो मेरे नॉर्मल टॉप्स वगैरह थे ना वही लेके आई थी, कोई गर्म कपड़े नहीं लेके आई। तो चलो अब हम आ गए हैं मैस के बाहर और मम्मी शायद यहीं वेट कर रही हैं। सुबह से मैंने मम्मी को देखा भी नहीं, जब मैं सो रही थी उस टाइम से मम्मी बाहर गई हुई है और अब मिलेंगे। और ये आज का ब्रेकफास्ट है इडली, थोड़ा सा बस, फ्राइड राइस, नारियल की चटनी। ना ना इसी में ऊपर स्प्राउट्स प्लेन और हैं स्प्राउट्स, बस दाल और थोड़े से चने। हाँ जरा जरा बस थोड़े से दाल। ठीक हो गई है मेरी और सीरियसली बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो चलो इनका अपना है ना चैनल है। हेलो, और ये है गीता दीदी और निशा निशा दीदी हमारे। ये दादी जान की पार्क, दादी जान की दीदी कुछ बताओ ना यहाँ के बारे में। ये बहुत अच्छा पार्क है दादी जान की, जो इस विद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी उनके यादगार में ये पार्क बनाया हुआ है। और ये बहुत सुंदर पार्क है, यहाँ पर वैरायटी फ्लावर्स हैं, पेड़ है, वैरायटी डेकोरेटिव प्लांट्स लगाए हुए हैं। इसको बहुत सुंदर लकड़ियों से सजाया गया है, जैसे कोई वेस्ट चीज़ें वेस्ट चीज़ों को यूज़ बेस्ट, हाँ यूज़ करके बेस्ट किया बनाया है। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार के फ्लावर्स मिलेंगे और इतना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है। और जगह जगह बहुत सुंदर स्लोगन्स लगाए हुए हैं ताकि जो भी इस पार्क में घूमे तो उसको शरीर तो उसका हेल्दी हो, साथ साथ उसका माइंड भी ठीक हो वो स्लोगन्स को पढ़ के। तो ये बहुत अच्छा पार्क है, अभी घूमते हैं हम यहाँ। और साथ साथ दीदी बताएंगे क्या क्या है यहाँ। बने रहिए हमारे साथ, हम सब कुछ दिखाते हैं आपको। इतना जैसे कि ये लकड़ी से कितनी अच्छी उसको डेकोरेशन कर रखी है, ये देखो कितनी अच्छी लकड़ी से कर रखी है। शेर 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 हाँ देखो शेर। शेर पे बैठ के पिक लोगे? अभी पता है हम ना फोटो सेशन में स्टार्ट हो गए थे और अब देखो यहाँ से जाना है ना, वो सब हमें ढूंढ रहे हैं हम कहाँ हैं। और हमारा कुछ नहीं पता इसमें ना, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा। ओके अगर कनेक्ट हो जाएगा ना तो इसमें अच्छा हो रहा है, तो फिर अच्छे से दीदी यहाँ जाएंगे। तो देखो एक्यूप्रेशर है, शायद ये भी ना किसी चीज़ से बनाया है, आई डोंट नो क्या है, बट हाँ ये एक्यूप्रेशर है। बस अब हमारा हो गया है घूमना, घूमना कहाँ हुआ है, हमने तो बस रील्स बनाई है। और वो रील्स आप इंस्टा पे देखना, इंस्टा पे मिल जाएंगे आपको मेरी सारी रील्स। और मेरा ना यहाँ मन कर रहा है, इससे अच्छा है ना मम्मी और मौसी आ रहे हैं पीछे, यहाँ मन कर रहा है फ़ोटो लेने का, यहाँ रील या फोटो भी लूँगी। अरे वाह, हमने सोचा वो दीदी बाहर गई
लेकिन वो तो यहाँ है, चलो कुछ और भी है देखने का। देखते दीदी हमें लगा आप सब आप दोनों बाहर गए, बस ये एग्जीबिशन है यहाँ पर। रूलर विंग, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के काफी सारे विंग्स बने हैं, उसमें से एक विंग है रूलर विंग। ग्रामीण विकास, कैसे ग्रामीणों का विकास किया जाए, वो एक विंग्स बना है। तो ब्लूटूथ कनेक्ट करूंगी उसके बाद आएंगे फिर फोटोज। सब हो गया फाइनली कनेक्ट, वरना ना मेरे को कानून के हाथ लेके आने पड़ रहे थे, हाथ लंबा कर करके वो करो। और पता है मैं ना इसमें कनेक्ट कर रही थी तो एकदम से ब्लूटूथ यहाँ इन दोनों के बीच में, यहाँ बीच में से नीचे गिर गया। उस टाइम पर घूमना मुश्किल हो गया। चलो अब मैं ना आपको जल्दी जल्दी पूरा जो जानकी देवी पार्क है ना पूरा विजिट कराती हूँ, ठीक है? और देखो हमने यहाँ से एंट्री की थी, हम यहाँ से अंदर आए, उसके बाद फिर हम गए थे यहाँ, और यहाँ जाने के बाद देखा ये वाली डेकोरेशन है, बहुत अच्छी डेकोरेशन है ये भी। और यहाँ ना पूरे में इतनी ग्रीनरी और इतनी शांति मिल रही है, सच में बहुत शांति मिल रही है यहाँ आने के बाद। तो सब फटाफट आके चल के रहो। चलो मेरी सेल्फी स्टिक का कोई तो फ़ायदा हुआ ना, अब आपको ना पूरा व्यू अच्छे से दिखाई देगा। बट एक गलती हो गई, अगर माइक भी होता ना मेरे पास तो बहुत अच्छा होता। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब कभी आऊँगी ना तो साथ में माइक भी लेके आऊँगी। और हाँ, फिर हम यहाँ से नीचे उतरे थे, वहाँ भी है ऊपर, ठीक है? यहाँ शेर स्टैचू है, शेर का। ओह, फिर यहाँ से, वहाँ से जब हमने एंट्री की ना तो वहाँ बाहर से हम आए थे लेफ्ट साइड, ठीक है? लेफ्ट साइड से जाने के बाद यहाँ, यहाँ से नीचे जाना है, यहाँ से नीचे जाने के बाद, और फिर वहाँ से भी एक रास्ता है, ये वाला, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी है एक रास्ता, और जो मैंने आपको दिखाया था ना एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर वाला भी रास्ता है। और यहाँ देखो, यहाँ ना शायद फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं। और ये वाला भी बहुत अच्छा व्यू है, देखो। है ना, यहाँ से चलते हैं अब हम बाहर। पहले भी हम यहीं से गए थे ना शायद, हाँ ये रहा एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर है। अब यहाँ से बाहर जाएंगे, नहीं बाहर नहीं, जहाँ हम पहले गए थे ना वहीं जाना है, सेम वही होल जहाँ हम पहले आए थे, उसके बाद फिर बाहर। और हमने ना यहाँ बैठ के भी पिक ली थी, और वहाँ से मैंने रील्स बनाई थी बहुत सारी उसके। अभी आई आंटी, आंटी की पिक लेनी है, एक सेकेंड आई। चलो आज ना आंटी से मिली मैं, आंटी भी शर्म को वो पंडित है और मैं भी। आंटी ने जैसे ही मेरा नाम पूछा ना, आंटी ने बोला बेटा हम तो दोनों सेम सेम हैं, सेम सेम बोल गए। और संतोष आंटी नाम है इनका, संतोष शर्मा। कैसा लगा आंटी यहाँ घूम के? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा, और बच्चे से मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू आंटी। चलो आंटी चलते, अच्छी आ गई ना आपकी फोटोज। तो मैं ना ऐसे वीडियो बना रही थी तो आंटी ने बोला कि बेटा मेरी भी एक दो फोटो लेना, तो फिर मैं आंटी की फ़ोटो ले रही थी। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है, फिर मैंने उन्हें अपना नाम बताया, तो एकदम से ऐसे जान पहचान हो गई हमारी, सेम सेम थे हम दोनों, बहुत सारी चीज़ें सेम सेम थी हमारी। और देखो यहाँ सोच रही थी मैं, यहाँ कोई अच्छी से वीडियो बन जाए मेरी। हाँ जी, कृष्ण जी की फोटो स्टैचू है, कृष्ण जी का, ये देखो कृष्ण जी का स्टैचू है ऊपर। वाह, यहाँ फाउंटेन है बहुत अच्छा, यहाँ देखो कितना अच्छा फाउंटेन है। हम की बात लिखी है, जितना आप कम बोलोगे उतना दूसरे आपको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? लोगों को पता रहेगा यहाँ अगर आप कुछ बोल रहे हो तो अच्छा ही बोलोगे। चलो यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लेंगे फिर हम। ये कहाँ से लिया? हाँ वहाँ मिला, नीचे मिला था मम्मी को कुछ यहाँ से, इसलिए मैं ये स्मृति को गिफ्ट दे रही हूँ। थैंक यू, और बने रहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्यू देखने के लिए हमारे साथ। गिफ्ट तो आप इसलिए देते हैं, ठीक है? ले लिया सर में लगा। कोई ना, फिर
लगा दिया। अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक छोटी ले लेने से भी गुलाब तो सच में मम्मी ने मेरे को यहाँ लगा दिया। वैसे अच्छा लग रहा है ना, पिंक पिंक। चलो अब चलते बाहर, हम भूल गए रास्ता कहाँ से है। हाँ वही है रास्ता। चलो अब हमने देखे यहाँ, हम घूम कर आ गए और यहाँ दीदी हमारा वेट कर रही है। वहाँ पर ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रही हूँ, लेकिन मम्मी और मौसी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए हम लेट हो गए। मम्मी देखो मैं आ गया हूँ, इसका मतलब मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। ये तो ये दीदी बता देगा। ये देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलकर। ये देखो अभी का टेम्परेचर है यहाँ 22 degrees Celsius। चलते हैं हम ऊपर हॉल में। हम ना कल शाम को भी यही आए थे। जैसे दीदी ने कहा कि हम शहर, अभी ना हम वहाँ टिक गए थे यूनिवर्सल हार्मोनी हॉल, और वहाँ ना आज इतना कुछ हमें ज्ञान की। इस टाइम हमें यहाँ क्या बता रहे हैं कि लेडीज़ को कैसे सब कुछ वो संभाल सकते हैं। लेडीज़ अपने घर की सेल्फ होम मिनिस्टर होती है, तो वो चाहे तो अपने घर को कैसे एकदम से एक साथ बांध के रख सकती है, क्या क्या कर सकती है, मतलब लेडीज़ की वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, मतलब हर चीज़ के बारे में बताया। और कुछ बहुत बड़े बड़े मतलब जो एक अच्छी पोजिशन पर हैं लेडीज़, वो भी यहाँ आई हुई थी, उन्होंने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे साथ। जो अगर अगर बंदा सीखना चाहे ना तो बहुत कुछ सीख सकता है उनसे, और बहुत ही अच्छा बताया। देखो पीछे है पांडव वन, हम यहाँ भी जाएंगे बहुत जल्द, हम यहाँ जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ लंच के लिए, तो अगर ये वाला ब्लॉग ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना, तो मैं जो भी आगे का ब्लॉग होगा, आगे की वीडियोज़ होंगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी।